प्रधानमंत्री जी ने गांव की सूरत बदल दी है, हर घर में शौचालय है, हर घर में आवश्यकता अनुसार आवास उपलब्ध कराने का काम किया, अभी 3 करोड़ आवास फिर जारी कर रहे हैं। लोकतंत्र में जिस प्रकार के अगर ऐसे कोई कानून विरोधी कार्य आते हैं तो हमारी सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है, उसको छोड़ती नहीं। हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो जनहित के कार्य करती है और जहां कोई कमी रहती है उसको दूर करने का प्रयास करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान सम्मत हर कानून का समर्थन करती है और उस कानून के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई का समर्थन। देखिए, मैं बस्ती के प्रभारी मंत्री के तौर पर आज प्रथम बार जनपद आया हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के योग्य समझा और उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है बस्ती जिले के प्रभारी मंत्री के नाम। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ों का आज पहली बैठक थी, उनको किया गया और जो आवश्यक निर्देश थे दिए। देखिए, हमारी सरकार जनहित के हर आवश्यक काम करती है और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है और हम उनके जन्मदिन पर उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर के सरकार चलाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार हर वो काम करती है जो जनता के हित में। मैंने कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव की सूरत बदल दी है, हर घर में शौचालय है, हर घर में आवश्यकता अनुसार आवास उपलब्ध कराने का काम किया, अभी 3 करोड़ आवास फिर जारी कर रहे हैं, जल जीवन मिशन जारी किया है। जनहित के हर वो काम हमारी सरकार ने किया है जो आवश्यक है। लोकतंत्र में जिस प्रकार के अगर ऐसे कोई कानून विरोधी कार्य आते हैं तो हमारी सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है, उसको छोड़ती नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो पाई है आपको? 100% जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार लागू करने का प्रयास करती है, जहाँ कमी पाती है उस पर कड़ी कार्रवाई करती है। नहीं, इसी पे तो आपके विधायक अभी सिद्धार्थनगर में बैठ गए थे, उन पर बात हो गई है और जो आवश्यक कार्रवाई है उस पे हो रही है। आपका क्या स्टैंड है? हमने बिल्कुल इस वक्त पार्टी का उस धरने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ पर जो चीजें हैं उन पे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मैंने फिर आपसे स्पष्ट कहा कि पार्टी का इस धरने से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का स्पष्ट मत है कि अगर कोई व्यक्ति वो भी सत्ता पक्ष में अगर है तो उसका कोई विषय है तो उसे सबसे पहले उचित जगह पर रखना चाहिए। अगर वहां से किसी प्रकार का अगर हल नहीं निकलता है तो लोकतंत्र आपसे कहा कि उनके विषयों को सुना जा रहा है और उस पर एड्रेस करके हल करने का प्रयास किया। ब्यूरोक्रेसी हावी है ऐसा लगता है आपको उत्तर प्रदेश में? मैंने एक बात आपसे कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो जनहित के कार्य करती है और जहाँ कोई कमी रहती है उसको दूर करने का प्रयास है। वन नेशन वन इलेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी इस इनिशिएटिव के साथ। इससे क्या फायदा होने वाला है देश को, देश की जनता को? निश्चित तौर पर इस पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो अलग अलग समय पर चुनाव होने पर जो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं वो सब दूर हो जाएंगी। हमारी पार्टी कानून के अंतर्गत की जा रही, बाबा साहब ने जो एक संविधान की रचना की है उस संविधान के तहत बनाए गए कानून के तहत जो भी कार्रवाई की जा रही उसका समर्थन करती है, पर वो संविधान सम्मत। तो क्या ये संविधान में था बुलडोजर? सवाल उठा रहे हैं कि ये न्याय नहीं। मैंने फिर कहा हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान सम्मत हर कानून का समर्थन करती है और उस कानून के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई का समर्थन। क्या बुलडोजर उस संविधान के दायरे में आता है? अगर वो दायरे में होगा तो निश्चित तौर पे होगा। वही जानना चाह रहा, आता है कि नहीं मुझे आप बताइए। मुझे प्रकरण बताइए तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत। ये सवाल का जवाब नहीं है मंत्री जी, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है। आप जो चीज मुझसे पूछ रहे हैं मैंने उसका जवाब दे दिया। बुलडोजर में आप नहीं बोल रहे हैं, बुलडोजर एक्शन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है। बुलडोजर आता है कि नहीं उस दायरे में, सिर्फ ये बता दीजिए। ये आप पता करिए आएगा जो कानून के तहत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया नहीं आता। मैं कानून पर वो माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय पर कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए हर कानून सम्मत कार्रवाई जो होगी हम उसका समर्थन करेंगे। आम आदमी पार्टी का जो एक वो था
उनके पास अपना चेहरा बचाने, अपना चेहरा बचाने के लिए कोई विषय नहीं बचा। तो अंतिम समय में जब चुनाव सर पर है तो उन्होंने एक मुख्यमंत्री बदल करके जनता को भ्रमित करने का काम किया। या रिमोट कंट्रोल से क्या? रिमोट कंट्रोल ही नहीं, तमाम कंट्रोल उसके काम करेंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।